역! 대단하다, 이거. 내가 이만 와서 내게 어떻게 믿고 장난을 해? 우리 스케치 보자스템. 예! 저런데, 저. जीजा जी, इससे पहले कि हमारे घर में आग लगाए इनको गिरफ्तार करा देना चाहिए। जीजा जी, कुछ बोलिए। जीजा जी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर ऐसे कर? बहुत हो गया इज्जत और सम्मान, बहुत हो गया। बकवास नहीं कर रहा हूं सच्चाई। ऐसे लोग क्रिकेट की तरह आते हैं, शाम जैसे भोले भाले इंसान को देखकर रैंक बदल देते हैं, चकमा देते हैं, ये हर बार करते हैं हमारे साथ ऐसा। क्या हो रहा है? सब कुछ पागल हो गया। सब कुछ बता दिया है। हाँ। ये शादी मारने की कोशिश की है। मुझे सिखा रहे हो इंसानों की कैसे फर्क करनी है, मुझे मत सिखाओ। युग सच कह रहे हम लोग ऊपर जी से कुछ किया, क्रिकेट क्यों नहीं मारते हमारा? सुना था खरबूजे को देख के खरबूजा ना हुआ दबता, लेकिन तू अरे कैसी अपने फूफा पर इल्जाम लगा रही है? अरे चुप करो, चुप करो, अरे तू क्या कर रही है? सही कह रही है, कैसी अपनी आशीष का सर बाल पर आ से इनकी बात में आएगी तू? इनकी बात में आएगी तू? छोड़, मैं तो सच कह रही हूँ फूफा, भाभी ने बताया था हमें कि सबसे फूफा जी देखी है। अरे भाई साहब और करो आप इनके लिए सब कुछ, देख लिया भाई साहब आप ही पर इल्जाम लगा। बातों में मत आना, ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बातों में मत आना, ये लोग अच्छे नहीं है। बाबू वो एक बात ध्यान दो, अगर इन दोनों की बात में इतनी सी भी सच्चाई हुई ना तो इस बार फूफा के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी भर ये सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अल्लाह ने माफ कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। हाँ दादी, बस एक बार मेरी शगुन को होश आ जाए, सच क्या है सब पता चल जाएगा। ये शगुन बिना ना जाने किस मिट्टी की बनी है, कुचल जाने के बावजूद वो जिंदा है। मर जा शगुन, मर जा, वरना मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए शगुन कैसी है? देखिए आप सब घबराइए मत, आप सब के लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास, शगुन अब खतरे से बाहर है। कहना धन्यवाद। लेकिन उन्हें गहरी चोट लगने की वजह से वो अब भी हमारे निगरानी में रहेंगे। ओके ठीक है, ठीक है। हम देख सकते हैं क्या उसको? अभी नहीं, अभी अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, हमारी शगुन ठीक है। ना बिजनेस की बात करेंगे ना घर की कोई टेंशन की।
आपकी श्रेष्ठता पूरे संसार में विख्यात है। हर इंसान आपको पूछता है। शकुन भी आप पे खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। उसने आपका दामन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसका साथ छोड़ दिया, छल लिया उसे आपने। उसका ये हाल कर दिया कि आज उसे मौत और जिंदगी के बीच में जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, उस जैसी सच्ची भक्त के साथ ये किया हुआ छल आपकी भक्ति के लिए कील बनेगा। अगर आज उसे कुछ हो गया ना, तो आज के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। लला, तुम पापा पे अपना भरोसा मत खो। वो बेशक अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। देखो, आज भी बहुरिया का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, वरना इतना भयानक, इतना बुरा अकस्मात होने के बाद अब भी वो सांस ले रही है। लला, शकुन को कुछ हो गया, मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। तो जाओ, जैसे बहुरिया पापा पे विश्वास रखती है ना बेटा, वैसा तुम्हें भी उन पर विश्वास रखना होगा। बहुरिया के साथ पापा तो है ही, लेकिन अब तो लल्ला तुम भी उनके साथ। कभी भी किसी का पूरा नहीं होने देते। बहुरिया को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। लल्ला, बहुरिया को तुम्हारी जरूरत है बेटा, बहुरिया को तुम्हारी जरूरत है ना? बस सब कुछ पापा पे छोड़ दो। आपकी बात, उसे जीवन दान दे दो। क्या गलती थी? आप लोग बाहर ही लोबी में जाकर बैठिए, और डॉक्टर ने कहा है कि अभी पेशेंट से मिलने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है ना? हाँ सिस्टर, ठीक है। वो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मैं किसी भी हालत में सांस लेने नहीं दे सकता शगन। तुम्हारा और तुम्हारे सच का मुझे गला खोदना ही होगा। तो होश में आ गई। आप कौन? मैं
यहाँ क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप हॉस्पिटल में हैं। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए डॉक्टर, नहीं। चिंता मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। वाह पर वाले वाह, तुम मुझ जैसे शैतानों की भी रक्षा करता है। अच्छा है, अब मुझे इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। शगुन के याददाश्त खोने का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। एक ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन है। सोचा सोच। युग, मुझे बहुत डर लग रहा है। राई ठीक तो हो जाएगी ना? भाभी एकदम ठीक हो जाएगी, तुम देखना, उन्हें कुछ नहीं होगा। बचपन से उसी ने पाला, ताई ने, मेरी ना आई नहीं थी, उसी ने सब चीज किया। भूख लगती थी तो पहले मुझे खिलाती थी, फिर खाती थी। आज अगर मैं उसके साथ होता तो ये सब नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। नहीं युग, खुद को दोष नहीं देते इस तरह। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बहुत अच्छे भाई हो, तुम देखना। गार्ड, सिक्योरिटी, गार्ड्स, वार्ड हो जाओ, जाओ जाकर देखो लड़की नहीं मिली है। जाओ, लड़की को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप घबराए क्यों हैं? मिस्टर जायसवाल, आप परेशान ना हो, हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे शगुन कैसी है, बोलिए ना। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, वो मिल नहीं रही है। हम लोग शगुन को ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ गई? मुझे खुद हॉस्पिटल में। ताई कहाँ गई? ताई कमरे में नहीं है। क्या? ताई कमरे में? क्या? कमरे में नहीं है। शबुन का नहीं, 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 शबुन का नहीं। क्या पास कर रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए नाशा लाया हूँ। बंद कीजिए अपना ढोंग। इंतजार कर। शकुन को क्या किया आपने? पास कर रहे हो तुम? शक इंसान के दिमाग को ना खोखला बना देता है। तेरा खराब हो गया, तेरा पूरा खाना गिरा दिया। यहाँ तुम सब भूखे हो, तुम्हारे लिए बेचारे भाई सब खाना लेकर आए और ये चले उन्हें जेल की हवा खिलाने के लिए। शुभ ने तय किया था ना, तो तुम मेरे पति पर आरोप क्यों लगा रहे हो? अगर आरोप लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लगाऊंगा आरोप। मुझे अच्छे से बताएं कि इन्होंने किया है। बहुत ही मंजे में खिलाड़ी है ये। अलग झपटते ही मेरी ताई को गायब कर दिया, जो सच न बता पाए। और तो क्या, अब मैं ये बात लूंगा नहीं। अभी झूठ की नाव सच के समंदर में ज्यादा दिन तक नहीं तैर सकती। चुप करो। फैमिली है और आप, चाहे जो भी हो जाए, जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन अपनी ताई को मैं ढूंढ के रहूंगा। मेरा वादा है आपसे। ढूंढना तो पड़ेगा भाई साहब, अब शांत हो जाइए। शगुन कहीं नहीं मिली। शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। कहाँ छुपा के रखा है हमारे शव? बताओ कहाँ लेके? जी जी, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखानी चाहिए। चलो हम भी ढूंढ। चलिए भाई साहब ढूंढते, कहाँ चलेगी? आप लोग जाइए, मैं जरा हॉस्पिटल में चेक करती हूँ। अच्छा ठीक है।
कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, मुझे पता लगाना ही होगा। आप लोग चलिए ना। हम लोग यहीं रुकते हैं, अगर कोई वो मिल गई तो। हाँ हाँ जी जी, मैं भी रुकती हूँ भाई साहब के साथ। चलेगी भाई साहब, इसके पहले कि वो प्यार में पागलपन से अपनी हद पार कर ले, मैं जानना होगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, चलिए ढूंढते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, आइए। सॉरी मैडम, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप प्लीज बाहर जाइए। अरे ये क्या कर रही हैं? प्लीज इसे इसे रखिए और मेरी हेल्प कर दीजिए भैया, प्लीज। ठीक है। बोलो युग, मैंने सारा सीसीटीवी फुटेज देख लिया। तुम सही कह रहे थे, सब कुछ फूफा जी ने किया। मैंने सारे सबूत कलेक्ट कर लिए, मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम हॉस्पिटल में ही रुकना, वो आदमी बहुत खतरनाक है, तुम उससे खतरा हो सकता है। कहीं देखो आसपास तो है तो नहीं वो। बोलो तो घर चले गए। मैं आता हूँ, तुम ही रुकना। हाँ प्लीज जल्दी आना। भाई साहब, हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। मुझ जैसे शैतान को इतने हल्के में मत लो। अभी भी मेरे पास मेरे हुक्म का इक्का है। भाई साहब, आपके पास कौन सा हुक्म का इक्का है, जरा मुझे बताइए। नव्या है मेरे हुक्म का इक्का। भाई साहब, मुझे लगता है टेंशन में आपका दिमाग खराब हो चुका है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस दुनिया को कैसे अपनी तरफ मोड़ना। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। फूफा जी, षड्यंत्र तो आपने रच लिया, लेकिन आप जानते नहीं हैं ऐसा कि झूठ की दीवार इतनी कमजोर होती है कि सच की एक कील उसे बर्बाद कर देती। अब आप बच नहीं पाएंगे हमसे। ये दोनों, अब मैं क्या करूं?